मैं जहीर फारूकी एडवोकेट चेयरमैन पुरकाजी बोल रहा हूं। इस बार की 15 अगस्त हम सब देशवासियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बार की 15 अगस्त में देश के अंदर अमृत महोत्सव के रूप में आयोजन किया जा रहा है जिसके अंदर हर घर तिरंगा योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। मैं इस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए सभी देशवासियों सहित खास तौर से अपने मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर लहराएं। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो कभी ये नहीं चाहते कि मुसलमान देशभक्ति के कार्यक्रमों में आगे आए, वो हम लोगों के बीच आएंगे और इस तरह की बात करेंगे कि ये तो मोदी जी का झंडा है, ये तो योगी जी का झंडा है, ये तो भाजपा का कार्यक्रम है। जो आदमी इस तरह की बात करे आपके बीच में आकर, ये जिस आदमी की इस तरह की सोच हो उसे अपनी सोच को हटा देना चाहिए और जो आदमी इस तरह की बात करे उस आदमी को अपने सामने से हटा दो। ये हमारे देश के आजादी का दिन है 15 अगस्त, और देश का जो तिरंगा झंडा है हम सब देशवासियों की आन मान और शान की का प्रतीक है। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने देश और मुल्क की वफादारी करनी है और हमें अपने देश के लिए हर वक्त खड़े रहना है। तो जब अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर सब लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा ले रहे हैं और किसी एक बेवकूफ या कुछ बेवकूफों की वजह से मुसलमान अपने घरों पर झंडा कम ले रहे हैं, तो उसका भी एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाएगा कि देखो मुसलमानों ने अपने घरों पर झंडे नहीं ले रहे। ऐसी बेवकूफी की बातें बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारा खून की एक एक बूंद अपने देश के लिए है और इस तिरंगे झंडे के लिए है। हमें बदनाम करने के लिए साजिशें रची जाएंगी, उन साजिशों को सबको नाकाम करना है और हम सब मुसलमान भाइयों को अपने घरों पे तिरंगा झंडा जरूर लहराना है। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा अधिकतर घरों में झंडे जरूर दिए जाएंगे, वार्डों में झंडे बांटे जाएंगे, जिन घरों में न पहुंच सके वहां आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं अपने पास से लेके तिरंगा झंडा जरूर है, लेकिन सभी लोगों तक झंडा जाना चाहिए और अपने घरों पर झंडा जरूर फहराएं। और 15 अगस्त पर जो ध्वजारोहण कार्यक्रम हो उन कार्यक्रमों के अंदर सभी लोग जरूर भाग लें।